ये सेकंड ईयर का ही? हाँ हाँ फर्स्ट ईयर। तो हमारा माइकोलॉजी चल रहा था, ठीक है। माइकोलॉजी में कल हमने जो पढ़ा था एस्परजिलस एंड पेजाइजा, हो गया ना स्टॉप? माइकोलॉजी में पेजाइजा पढ़ा कल, और इसके अलावा हमने पढ़ा एस्परजिलस, ठीक है ना। तो एस्परजिलस की बात करें, पेजाइजा हमने पढ़ा, दीज आर ऑल्सो नॉन एज क्लब फंजाई, है ना, सॉरी कप फंजाई। कप फंजाई का मतलब क्या होता है? जो कप के जैसे शेप में होते हैं। कप का मतलब क्या होगा? जैसे कटोरी है ना, कप ये स्ट्रक्चर होती है ना, लकड़ी के ऊपर सड़े गली जगह पर, है ना। ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी, पेजाइजा। तो इसका कल हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि इसके अंदर क्या होता है, जो फलन काय बनेगी उसे एपोथीसियम कहते हैं, जो कप शेप में होती है, ठीक है। कल इसकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई थी कि इसमें क्या होगा, यहाँ जो कोशिका होगी वो कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, और वृद्धि करने के बाद क्या होगा, इनमें कोई एक कोशिका, नॉर्मली क्या होता है, एक केंद्रक होता है हर कोशिका में, लेकिन कोई एक कोशिका होगी जो एक, जिसके दोनों केंद्रक क्या होंगे, दो कोशिकाओं के केंद्रक मिलकर के वो एक में बदल जाएगी, और फिर उसके बाद इसकी वृद्धि होगी, और वृद्धि होके ये ऐसे फूल जाएगी। फूलने के बाद ये दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे, और द्वि केंद्र की अवस्था से एक केंद्र की लेकिन द्विगुणित अवस्था आ जाएगी, ठीक है। द्विगुणित अवस्था आने के बाद क्या होगा, इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन और दो, फिर उसके बाद एक बार समसूत्री विभाजन होगा। आपको पता होगा जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, एक कोशिका चार नई कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और उन चारों नई कोशिकाओं में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक। उसके बाद अगला ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होगा, जितनी कोशिकाएं हैं समान संख्या में गुणसूत्र वाली संख्या नई कोशिकाएं बनाएगी, तो कुल मिला के यहाँ आठ केंद्रक बन जाते हैं। और आठ केंद्रक बनने के बाद फिर क्या होगा, इसमें कुछ ऐसी भी संरचनाएं बनती हैं जो नॉन फर्टाइल होती हैं, यानी कि जिनका लैंगिक जनन में कोई प्रतिभाग नहीं होता है, तो वो हो गई। और उसके अलावा इसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं कवक सूत्र की बन जाएंगी, और उसे हम क्या बोलेंगे, सहसूत्र या पैराहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये सारी कोशिकाएं बन गई, एक टाइम आएगा जब ये फट जाएगी और हिसकी ध्वनि के साथ क्या होगा, ये बाहर निकलेंगे। अब जो ये स्ट्रक्चर है, इसको पूरी को क्या बोलते हैं, एपोथीसियम। तो ये कल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। आज एस्परजिलस को कवर अप करेंगे, ठीक। कल हालांकि पूरा बता दिया था उसमें अलैंगिक जनन तक। एक बात और, पैजाइजा के लाइफ साइकिल की बात करें हम, तो फिर क्या होगा, यहाँ से निकले हुए जो एस्कस के अंदर बने ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स, ठीक है, एस्कस बीजाणु। वो जमीन पे आएंगे, और जमीन पे आने के बाद अनुकूल वातावरण जब भी मिलेगा उनको, वो नया माइसीलियम बना लेंगे। माइसीलियम का मतलब क्या होता है, कवक जाल। और कवक जाल किससे मिलके बना होता है, कवक सूत्रों से, और कवक सूत्र को क्या कहते हैं, हाइफी, ठीक है। अब इसकी एक बार लाइफ साइकिल कंप्लीट करके देखते, यानी इसकी स्थिति में क्या होगा, ये इस तरीके से कप शेप ये बन गई, ठीक है, फलन काय। अब इन फलन कायों के बनने के बाद क्या होगा, यहाँ इसमें एस्कोस्पोर्स वगैरह बनेंगे धीरे धीरे, कप फंजाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कप के शेप में होगा, ठीक है। ये हिस्सा स्टार्टिंग में होता है अधोभूमिक, अधोभूमिक मतलब भूमि के नीचे, फिर धीरे धीरे जब पोषण लेता है तो वो आ जाता है भूमियोपरिक, एपीजियल मतलब जमीन के ऊपरी वाले हिस्से में दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। गोबर वगैरह के ऊपर सड़ी गली जगह पर मिलेगा, या फिर कहाँ मिलेगा, ह्यूमस वाली जगह पे, जैसे पतझड़ वाले जंगलों में जब पेड़ से पत्तियां झड़ जाती है तो जमीन पे क्या बनेगी, ह्यूमस बनेगी, वहां पर ये फंजाई उग जाती है, ठीक। ये बना, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर इस कंडीशन में आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपोथीसियम, ठीक है। यहाँ किनारे पर तो ये बंधे प्रकार के होते हैं, और बीच में जो होंगे वो कैसे होते हैं, फर्टाइल, यानी कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो कोशिकाएं बनी, ये एस्कोस्पोर, इसकी स्थिति ये है, फिर
ये आगे जाकर के क्या करेगी, जमीन पे गिरेगी। जमीन पे गिरने के बाद ये अपना माइसीलियम यानी अंकुरित होगी। जब अंकुरित होगी तो इसकी स्थिति यही तो होगी, अंकुरित होने के बाद ये अपना एक माइसीलियम बनाएगी यानी एक कवक सूत्र बनाएगी। और कवक सूत्र इसका कैसा होता है, पट युक्त होता है। अगर ऐसा कवक सूत्र हो जो पट नहीं है, मतलब कोशिकाएं हैं पर उनके बीच में अलग ऐसे अलग नहीं हुई हो, है ना, केंद्रक सब एक ही साथ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। फाइकोमाइसिटीज जो कवक वर्ग है उसके अंतर्गत क्या आता है, संकोशिकीय अवस्था। ये पहले पढ़ा चुके हो, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, कोई भी पट नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, पटहीन अवस्था को संकोशीय कहते हैं, ये याद रख लेना। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो पट है तो एकल कोशिकीय अवस्था है। फिर क्या होगा, ये दो कोशिकाओं के केंद्रक, कोई भी दो कोशिकाएं, कोई सी भी दो, उनका क्या होगा, बीच का पट जो है वो गल जाएगा और एक कोशिका में बाकी पूरा कवक ऐसे ही रहेगा, ठीक है, केवल दो कोशिकाओं के केंद्रक जो है वो मिल जाएंगे। मिलने के बाद ये आगे ऐसे वृद्धि करेगी, और अब ये द्विकेंद्रकीय जो अवस्था है वो फिर क्या होगा, ये द्विकेंद्रकीय अवस्था से फिर ये एकल में बढ़ जाएगा, एक में, ठीक है। अभी तो ये क्या है, द्विकेंद्रकीय है, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगी, द्विगुणित एक केंद्रकी, केंद्रक तो एक ही रह गया क्योंकि दोनों क्या हो गए, मिल गए, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विगुणित, या इसको लिख देंगे टू एंड कंडीशन। टू एंड कंडीशन के बाद क्या होगा, अब ये आगे वृद्धि करेगी और वृद्धि करने के बाद फिर ये पूरी एपोथीसियम वगैरह बनाएगी, और एपोथीसियम वगैरह जब पूरी की पूरी बनेगी तो उस कंडीशन में ये पूरी एपोथीसियम ऐसे बनी, और एपोथीसियम बनने के साथ साथ इसमें क्या होगा, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये जो केंद्रक है वो क्या करेगा, आप यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और विभाजन के बाद फिर स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसको यहां ना लेकर के हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया एपोथीसियम में, एपोथीसियम की स्ट्रक्चर ये हो गई, और यहां पर क्या हुआ, एस्कस बीजाणु इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्कस बीजाणु। और ये जो एस्कस बीजाणु बनते हैं वो इस एपोथीसियम के अंदर बनते हैं, और इस एपोथीसियम में एक बार अर्धसूत्री और एक बार संसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, टोटल आठ कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, और आठ के आठ ही आगे जाके फंक्शनल होते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा पैजाइजा का जीवन चक्र हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका भी ध्यान रखना, फिर आवाज रिजॉइन कितने बजे, हाँ अभी बहुत टाइम, ठीक ठीक ठीक, आधी क्लास ऑनलाइन आधी ऑफलाइन। अच्छा, आप लोग डायग्राम बनाओगे, क्योंकि पहले तो क्या आदत होगी हमको ऑनलाइन की, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो हम टेंशन भी नहीं लेते हैं इसको बनाने की। नोट्स होंगे ना आपके पास, है ना, फिर कोई टेंशन नहीं उसमें तो होगा। देन आफ्टर हम लोग अब बात करते हैं एस्परजिलस के बाद, सॉरी पैजाइजा के बाद एस्परजिलस की, ठीक है। एस्परजिलस, एस्परजिलस की बहुत सारी जातियां हमारे लिए फायदेमंद होती हैं, बहुत सारी नुकसानदायक होती है ना। जैसे बहुत सारी कुछ कार्बनिक एसिड वगैरह है उनको बनाने में काम में आती है, कुछ दवाइयां एंटीबायोटिक्स बनाने में काम में आएगी, और कुछ ऐसी भी होती है जो एफ्लोटॉक्सिन रिलीज करती है। एफ्लोटॉक्सिन एक ऐसा खतरनाक रसायन होता है जो खाने की चीज़ों पर स्रावित किया जाता है, ठीक है। जब खाने की चीज़ों पर स्रावित किया जाएगा तो वो संदूषित हो जाएंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, खाना खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़, कई बार कुछ रोग हो जाते हैं, एस्परजिलेसिस माइकोसिस वगैरह यानी दाद वगैरह हो जाते हैं स्किन पर, तो उसके लिए भी एस्परजिलस नाइगर वगैरह कुछ जातियाँ उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग एस्परजिलस में, लाइफ साइकिल कल पढ़ा दिया था, ठीक है, ऑनलाइन में।
मतलब लाइफ साइकिल ब्रीफली समझाना है, क्योंकि अब इतना तो बता दिया था कि क्या होगा, जमीन पे ज्यादातर पीले से या हल्के सफेद रंग का होता है, जब उसकी लैंगिक अवस्था आती है तो अलग अलग जातियां अलग अलग रंग के माइसीलियम यानी कि कवक जाल दिखाती है, जैसे कोई भूरी हो गई, कोई नीली हो गई, कोई सफेद, जनरली डार्क कलर से पता चल जाता है, जितना गहरा रंग है इसका मतलब क्या है, उसकी जाति का प्रकार पता चल जाता है, उसकी लैंगिक अवस्था की बात होती है। ठीक, तो एस्परजिलस देखने में कैसा लगता है? एस्परजिलस का माइसीलियम पट युक्त है, ठीक है, नॉर्मल माइसीलियम है, जैसे बाकी सब कवकों का होता है। अगर हम जनन की बात करें तो जनन के तीन तरीके हैं, ठीक है, कायिक जनन होगा विखंडन के द्वारा। विखंडन का मतलब क्या है, कहीं से भी कोई भी टुकड़ा टूट गया, जो टूट गया वही नया माइसीलियम बना देगा, नया कवक तंतु बनाएगा और फिर उसके बाद नया कवक जाल बनाएगा। ठीक, उसके बाद आगे क्या बोलेंगे हम इसको कि अभिषेक कुमार, जूलॉजी की क्लास के लिए आप मैनेजमेंट से बात कीजिए या फिर जूलॉजी वाली मैम से पूछिए, मैं तो बॉटनी पढ़ाई, ठीक है, बॉटनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या माइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप वो बताओ। एस्परजिलस, ठीक है, तो एस्परजिलस में एक तो होगा विखंडन, कायिक विखंडन होगा, कायिक विखंडन किसके द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा, मतलब कायिक जनन का एक तरीका क्या है, विखंडन। दूसरा तरीका क्या है, अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन का मतलब क्या होगा, उसमें कोनिडिया बनेगी, ठीक है। एस्परजिलस की कोनिडिया सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। देखो, कोनिडिया को धारण करने वाली संरचना क्या होती है, कोनिडियम धर, या इंग्लिश में बोलते हैं कोनिडियो फोर। कोनिडियम धर, कोनिडियम धर के ऊपर ऐसे प्रांगुल जैसी, जैसे उंगलियां होती है ना, इस तरीके से उंगलियों जैसे उभार आ जाते हैं इसके ऊपर ऐसे, ठीक, तो उसे प्रांगुल कहो या स्ट्रिग्मेटा कहो। कोनिडिया अलैंगिक फलन का संरचना होती है, यानी कि कवक तंतु है पूरा, उस कवक तंतु में ऐसे एक संरचना सीधे सीधे बनी मुग्धर के आकार की, मुग्धर समझते हो ना, नहीं पता, मुग्धर जैसे वो हनुमान जी का यंत्र होता है या पहलवान वगैरह लेकर के चलते हैं ना, मूसली बोल दो या नॉर्मली, ठीक, तो वो मुग्धर की जैसी एक संरचना बन जाती है, जो एक सिरे से तो पतली होगी और कॉर्नर पर टिप पे जाकर के मोटी हो जाती है, तो संरचना बनी, यानी कि कोनिडिया का मतलब ये है कवकों में बनने वाली एक ऐसी अलैंगिक संरचना जो समसूत्री विभाजन के द्वारा, जनरली ऐसा ही होता है, तो वो एक विशेष प्रकार के बीजाणु बनाएगी, उन्हें कोनिडियो स्पोर कहते हैं, ठीक है। फलन काय होते हैं ये पूरा पढ़ाया था, आप चाहो तो उसमें देख लेना वीडियोस में, है ना, जो पुराना पढ़ाया हुआ है। तो क्या होगा, कोनिडियो स्पोर बनेंगे और कोनिडियो स्पोर बनने के बाद वो जमीन पर गिरेंगे और जमीन पर गिरने के बाद क्या होगा, वो नया नया माइसीलियम बनाएंगे। तो ये कोनिडियम धर हो गया, उसके बाद इसे बोलते हैं प्रांगुल, और प्रांगुल के ऊपर ऐसे गोल गोल फलन काय बनती है, ठीक है। फलन काय बनने के दो तरीके होते हैं कवकों के अंदर, ठीक, बाहर की तरफ बने या अंदर की तरफ। देखो भाई, जब ये यहां से बाहर की तरफ बन रहा है, मतलब एक के ऊपर एक नया बन रहा है, तो उसे कहते हैं बहिर्जात, ठीक, और जब ये अंदर की तरफ बने, यानी कि इसकी स्थिति ये हो, एक ये बना और एक यहां बन गया, बन गया, अब इन दोनों के बीच में नया वाला बने, कुछ ऐसे समझिए जैसे कि ये फाइनल है, ठीक है, ये तो हो गया कोनिडियम धर, ये हो गई कोनिडिया, अब इस कोनिडियम धर और इस कोनिडिया के बीच में ये कोनिडिया बन गई, अब नई वाली कोनिडिया ऐसे बनी, ठीक है, तो क्या हुआ, लंबा होता चला गया, यानी कि नया नया कहां बनेगा, पुराने के और मुख्य संरचना के बीच में, ठीक है, तो लंबाई बढ़ गई, यानी जो पहली बार बना था वो पीछे चला गया। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ इसमें होती है कि ये पीछे चला जाएगा और यहाँ नया बन गया,
फिर कुल मिला के इसकी संरचना ऐसे अंदर की तरफ बनेगी, तो इसे क्या कहते हैं? अंतर्जात। ठीक है, अंतर्जात कोनिडिया, इसे कहते हैं हम क्या? कोनिडिया। कोनिडिया बन गई। अब इस संरचना के अंदर जो केंद्रक है वो निर्माण करेगा जिन संरचनाओं का, अगर वो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये केंद्रक अगुणित है तो नया वाला अगुणित बनेगा ही बनेगा। अगर ये द्विगुणित है और ये नई संरचना जो बना रहा है वो भी द्विगुणित हो तो भी वो क्या माना जाएगा? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए नर या मादा का अलग अलग होना जरूरी नहीं होता है। लैंगिक जनन की मुख्य शर्त यह है जीवन काल में कभी ना कभी एक बार अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसे तो अलग अलग उसकी फलनकाय के हिसाब से उसकी क्लास में, उसके वर्ग में रख देंगे फंजाई को। लेकिन ऐसी एक क्लास है जिसमें कभी भी अर्धसूत्री विभाजन, मान लो आपने एज ए साइंटिस्ट या एज ए स्टूडेंट कोई ऐसा कवक ढूंढा जिसमें आपको पूरे जीवन काल में अर्धसूत्री विभाजन नहीं मिला देखने को, तो आप उसे किस वर्ग में रखोगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, वो एक काल्पनिक वर्ग है, ऐसा अस्तित्व में नहीं होता। काल्पनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लो आपने रिसर्च किया, आपने कहा इसमें लैंगिक जनन नहीं है या लैंगिक जनन वाला है, तो इस कवक को ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया आपने। हो सकता है बाद में भविष्य में आपको खुद को या किसी और साइंटिस्ट को या किसी और स्टूडेंट को, रिसर्चर को बाद में उसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिल जाए, तो फिर उसे वहां से निकाल दिया जाएगा उस क्लास में, और फिर उसे कौन से वर्ग में रखा जाएगा? फिर देखा जाएगा कि इसका फलनकाय कैसा है। इसका फलनकाय क्लब के जैसा है, मतलब मुग्धर के जैसा है या कप के जैसा है, फिर उसे उस वर्ग के हिसाब से रखा जाएगा। ठीक है, एलेक्सोपोगस का पूरा वर्गीकरण है वो पढ़ाया है। तो कोनिडियम धर के ऊपर बनी हुई कोनिडिया, और कोनिडिया अंतर्जात होती है इसमें, और उसके बाद इसके अंदर क्या बनते हैं? कोनिडियो बीजाणु या कोनिडियो स्पोर। ठीक है, और कोनिडियो स्पोर फर्टाइल, मतलब ये क्या होगा, फट जाएगी कोनिडिया, और फटने के बाद कोनिडियो स्पोर्स बाहर निकलेंगे, जमीन पर गिरेंगे और अनुकूल वातावरण मिलते ही फिर से नया कवक बना देंगे, पूरा नया थैलस बना देंगे। थैलस किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। ठीक है, किसका? ऐसा शरीर पादपों का जिसमें जड़, तना, पत्ती आप नहीं विभेदित कर सकते हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? थैलस। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? उसके बाद कायिक जनन कोनिडियम धर, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसी को अंतर्जात कहो या इसी को तलाभिसारी क्रम भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या है? तल की तरफ है। ठीक, और एक बात कि कोनिडियम, कोनिडिया से जो कोनिडियो स्पोर मिलेंगे है ना, उसमें कई बार क्या होता है? बायचोल अंतःचोल, यानी कि बाहर की दो परतें होती हैं उसमें। ठीक है, और ज्यादातर नीले, हरे, भूरे या काले रंग के कवक जाल अलग अलग जातियों के हिसाब से दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे ये है लैंगिक जनन पढ़ना था हमको, कल इतना वैसे बता दिया था। देखो लैंगिक जनन का सीधा सा हिसाब, जहां एक संरचना नर और एक संरचना मादा हो, लेकिन एस्परजिलस में ऐसा हर जाति में नहीं होता है। ठीक है, कुछ ही जातियां ऐसी हैं जिनके अंदर लैंगिक जनन देखने को मिलता है, और लैंगिक जनन के अंदर भी आप उसे स्पष्ट लैंगिक जनन नहीं कह सकते हो, क्योंकि नर संरचना, ये तो नर का सिंबल है, ठीक है, और ये मादा का सिंबल है। नर को ज्यादातर, नर के लिए जो धानी बनती है उसे पुन धानी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ इसे बोलते हैं आर्किकार्प या एस्कोगोनियम। क्या बोलेंगे? आर्किकार्प, कार्प या एस्कोगोनियम। ठीक, अब इस एस्कोगोनियम की बात करें हम, तो इसकी संरचना मुख्य रूप से, कई बार कुछ ही जातियां ऐसी हैं जहां पुंधानी देखने को मिले, ज्यादातर एस्परजिलस की जो स्पीशीज है जातियां उनमें क्या होता है? एस्कोगोनियम, ये माइसिलियम की कोई एक कोशिका है, इसी में क्या हो जाएगा? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का मतलब होता है जब दो पास पास की कोशिकाएं आपस में अपने केंद्रकों को मिला लेती है। ठीक है,
तो फिर उसके बाद क्या होगा, द्विगुणित अवस्था आएगी और द्विगुणित के बाद वो क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, जैसे थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी पैजाइजा में। ठीक, कुछ कंडीशन ऐसी होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, लैंगिक जनन। अब इसका ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो लैंगिक जनन के लिए ज्यादातर जो यूज होती है स्त्रीधानी, या उसको कहते हैं आर्की कार्प, उसका नाम क्या होता है, एस्कोगोनियम, उसकी स्ट्रक्चर बना दे। और एस्कोगोनियम के थ्रू पूरा हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एस्परजिलस का। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, माइसिलियम, या इसको बोलेंगे कवक सूत्र। कवक सूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफी या हाइफा। ठीक है, वो प्लूरल और सिंगल सिंगुलर का फर्क पड़ जाता है, बस दिख तो रहा है ना। ठीक है, हाइफा हो गया। हाइफा के बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा जब इसमें यहां से एक कोशिका जो है वो एक विशेष प्रकार की ऐसे उभार वाली संरचना बना देगी। जो कोशिका ऊपर की संरचना बनाती है उसे फूट सेल या पाद कोशिका कहते हैं। फिर क्या हो जाएगी, फूट सेल। ठीक है, पैर जैसी। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको और ये स्ट्रक्चर है इसकी, तो उसे बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक को दूसरा कहते हैं तंतु। तंतु के बाद ऊपर इससे बोलते हैं एस्कोगोनियम, जो अभी पूर्ण रूप से अपने रूप में नहीं आई है। ठीक है, अभी अपना आकार धारण करेगी। ठीक, एस्कोगोनियम कोशिका बनेगी। उसके बाद ऊपर की तरफ ये जो उभार है इसे बोलते हैं ट्राइकोगाइन। ये याद रखने वाली चीज है कि एस्कोगोनियम का ऊपरी नुकीला जो सिरा है उसे ट्राइकोगाइन कहते हैं, और ट्राइकोगाइन क्या है, शीर्षस्थ भाग होता है। ट्राइकोगाइन या ट्राइकोगाइनियम, वो सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्म बदल जाता है ना, बातें नहीं कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक, तो ट्राइकोगाइन के बाद अगला आता है कि इस स्ट्रक्चर में ये बाद में जाके क्या हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। ये किसी भी स्ट्रक्चर में आ सकता है, आप इसको चाहे जितना घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये उसके बाद ये जो संरचना बनी इसे क्या बोलेंगे, पुंधानी। और पुंधानी हमेशा क्या करती है, पुंधानी हमेशा नर संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, नर संरचना पुंधानी को ही बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर यंग एंथ्रीडियम बोलो या फिर उसको पुंधानी बोलो, वो इंग्लिश हिंदी का फर्क पड़ गया। इसके बाद ये जो संरचना है वो आगे वृद्धि करेगी, और वृद्धि करने के बाद इसकी संरचना ऐसे कॉइल्ड कंडीशन में, ये बन गई। और इस एंथ्रीडियम पुंधानी के अंदर क्या होगा, केंद्रक आगे विभाजन करेगा, और एंथर से सॉरी पुंधानी है तो इसके अंदर क्या बनेंगे, नर बीजाणु बनेंगे। ठीक, नर बीजाणु बनने के बाद ऐसे एक संरचना और बनेगी, उसे बोलेंगे हम स्त्रीधानी, और उसके अंदर क्या बनेगी, ऐसी संरचनाएं बनेंगी, ऐसे बीजाणु बनेंगे जिन्हें क्या बोलेंगे हम, मादा बीजाणु। और फिर नर बीजाणु और मादा बीजाणु मिलकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट को क्या कहते हैं, युग्म नज। ठीक है ना, एस्कोगोनियम कहो एंथ्रीडियम, एक ये बन गई, ऐसी इसमें साइड में बन गई थी, अब सही है। इसी तरीके से यहाँ से एक संरचना और बनेगी, ठीक है, और उसको बोलेंगे हम एस्कोगोनियम या स्त्रीधानी। ये हो गई नर संरचना, और ये हो गई स्त्रीधानी, या इसी को बोलते हैं आर्कीकार। और आर्कीकार्प के अंदर फिर क्या होगा, जो नई संरचनाएं बनेंगी वो नर और
मादा कोशिकाएं बनेंगी, एस्कोगोनियम। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसे एस्कोगोनियम बोल देंगे। एस्कोगोनियम की स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता दें। हम रिजॉइन करवाना, ये क्या पूछ रहे, देखने के लिए नहीं, उसका तो रिप्लाई दे दिया पर पूछ रही थी भाई। ठीक है, तो पुंधानी जो होती है ना वो एस्कोगोनियम के पास होती है, और एक कवक तंतु और दूसरे कवक तंतु, देखो दो तरीके होते हैं। एक तो ये हो कि एक ही कवक तंतु के नर और मादा संरचनाएं आपस में अपनी कोशिकाओं को जोड़ लें, ठीक, तब तो जो संरचना बनेगी तो उसे बोलते हैं होमोमाइसीलियम, ठीक है, समथैलेसिस संरचना। कभी कभी क्या होता है, दो भिन्न प्रकार के कवक तंतु हैं ये अलग अलग, ठीक है, और दोनों में मान लो इसमें नर संरचना बन गई और दूसरी में यहाँ मादा संरचना बन गई। अब इनके अगर केंद्रक आपस में जुड़ते हैं तो फिर उस स्थिति में उसे हम क्या बोलेंगे, होमो नहीं बोलेंगे, हेटरो बोलेंगे, यानी विषम थैलस संरचना बन गई, ठीक है। या तो एक ही तंतु के दोनों संरचनाएं मिले या फिर दो अलग अलग तंतुओं की मिले, वो मैटर करता है होमो है या हेटरो है, ठीक। यहाँ से निकली हुई कोशिका फिर क्या होगा, जनरली गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट, यानी कि आपको ये पढ़ाया हुआ है, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि जो दोनों धानियां हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसे समझ लीजिए, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, युग्मक धानी संलयन, एक तरीका ये, दूसरा ये, दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और दोनों के क्या होंगे, केंद्रक आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ने के बाद जब ये अभी क्या थी, एन स्थिति थी ना इसकी, मतलब अगुणित था पूरा माइसीलियम। अब ये जुड़ेगी, दो तरीके हैं, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट का मतलब होता है युग्मक धानी संलयन। जब युग्मक धानी दोनों आपस में धानियां जुड़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है यही हो, ये हो सकता है एक इधर ऐसे, ये भी हो सकती है, तो ये दोनों आपस में फिर क्या होंगी, इस तरीके से धानियों का जुड़ाव दिखाया जाता है। तो दोनों के केंद्रक जब जुड़ेंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगी, 2N स्थिति आ जाएगी, द्विगुणित। अब द्विगुणित केंद्रक जो है वो क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप फिर क्या होगा, चार नए केंद्रक वाली संरचना बनेगी। हर केंद्रक अपने चारों तरफ भित्ति बना लेगा और अब जो है वो एस्कोस्पोर, यानी कि एस्कस बीजाणु बोले जाएंगे, ठीक, और फिर ये फटेगी, और फटने के बाद क्या होगा, हर एक अलग कोशिका ये क्या बन गए, एस्कस बीजाणु बोले गए। ठीक है, ये एस्कस बीजाणु जमीन पर गिरेंगे और जमीन पर गिरने के बाद हर एक नया माइसिलियम बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब जो माइसीलियम बनेगा बताओ वो अगुणित होगा या द्विगुणित होगा, अगुणित होगा या द्विगुणित होगा, अगुणित होगा ना, एन टाइप होगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन क्लास सब लोग रिज्वाइन कर लीजिए।